खेलते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूते दिल के तार से इंडिया वाले। भारत ने फाइनल हराकर ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा घमंड। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से जीती सीरीज। आज तो टीम इंडिया सोच कर आई थी कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम को सीरीज हराकर ही घर भेजेंगे और टीम इंडिया ने ऐसा ही किया। रोहित और विराट ने ऑस्ट्रेलिया के मनसूबे पर पानी फेर दिया। उधर कंगारू भी सोच कर आए थे कि आज टीम इंडिया को हरा देंगे, लेकिन भारतीय टीम कहां हारने वाली थी। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर दी। रोहित ने शानदार शतक जड़ा, जो सोच कर आए थे कि पिछले मैचों की कसर आज इस मैच में निकाल देंगे। और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर ऐसे बरसे कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज देखते रह गए। चौके और छक्कों की बरसात कर दी। उसके बाद विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी धमाकेदार बल्लेबाजी की और टीम इंडिया ये मैच जीत गई। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका ये फैसला गलत साबित होगा। 18 रन के स्कोर पर ही डेविड वार्नर चलते बने। थोड़ी ही देर बाद कप्तान एरन फिंच भी पवेलियन लौट गए। स्टीव स्मिथ ने शानदार शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 286 रन तक पहुंचाया। लेकिन स्मिथ का शतक भी टीम इंडिया को हार नहीं दिखा पाया। उन्हें क्या मालूम था कि आज टीम इंडिया के सामने स्कोर भी छोटा पड़ जाएगा। टीम इंडिया की तरफ से मैदान पर जब रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे तो रोहित शर्मा ने आते ही आक्रामक रूप दिखाया। हालांकि केएल राहुल सस्ते में निपट गए, 19 रन बनाए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी को संभाला। उसके बाद रोहित शर्मा 119 रन बनाकर एडम जंपा की बॉल पर स्ट्राइक को कैच थमा बैठे। भले ही रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन टीम इंडिया को जीत तो मिलनी ही थी, क्योंकि विराट कोहली मैदान पर मौजूद थे और टीम इंडिया ने कंगारुओ को हराकर सीरीज अपने नाम की। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।